नमस्कार दोस्तों। एक क्वेश्चन, बहुत सारे जवाब, लेकिन करेक्ट कौन सा? तो वही बात थी कि जियो राउटर को 12 वोल्ट की सप्लाई को मैं कैसे अपने जियो राउटर को 2-3 घंटे, तो गाइस नॉर्मली लोगों की 2-3 घंटे में रिक्वायरमेंट थी, बट मैं जो लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ 10 से 11 घंटे तक बिना किसी इलेक्ट्रिसिटी के भी आपके चल पाएगा। ना कोई एक्सटर्नल चार्जर यूज करने की जरूरत, कुछ यूज करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको छोटा सा काम करना है, ये बनाना है, और आप 10 से 11 घंटे यूज कर पाएंगे। तो गाइस कैसे बनाना है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो समझ जाएंगे, और लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को। चलिए गाइस, तो शुरू करते हैं इस वीडियो। तो गाइस आज हम समझेंगे, जो यूपीएस की बैटरी होती है वो 12 वोल्ट की होती है, और इसे मैंने निकाल लिया यूपीएस से। और सबसे बड़ी बात गाइस ये है कि आप जियो राउटर को या एयरटेल का राउटर, जो भी 12 वोल्ट का राउटर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो किस ब्रांड का है, 12 वोल्ट का जो भी राउटर है वो इजीली बैटरी से कनेक्ट। जो गाइस वो तो बहुत इजी काम है, बट ये है कि बैटरी को हमें चार्ज भी करना है, और ये बैटरी 12 वोल्ट की है। तो गाइस पूरी वीडियो में जानेंगे, थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लास्ट तक जरूर देखिएगा तभी आप समझ पाएंगे, क्योंकि इसका चार्जिंग वाला जो पोर्शन है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए गाइस फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें एक बैटरी लेनी है, जो हमने ले रखी है, थोड़ा सा आयरन का यूज़ रहेगा, और कैसे जुगाड़बाजी करने वो भी बताऊंगा। तो गाइस मेरे पास पुरानी यूपीएस पड़ी थी, तो उसकी कुछ वायर है जो कि मुझे इम्पॉर्टेंट लग रही है, जैसे कि मैं क्लिप बनाने के लिए यूज़ कर सकता हूँ, जैसे कि ये इस टाइप में। तो ये यहाँ से हम, ये मुझे बार बार नहीं, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, ये काइया हो तो आप शोल्डरिंग करके डायरेक्टली या तार को बांध के भी निकाल सकते हैं। आपको सारी ट्रिक हैंड टू हैंड बताता भी चलूँगा, तो जल्दी से निकाल लेते हैं इस वायर को। तो दोस्तों हमने इसकी ये दो वायर जो है इम्पॉर्टेंट, जो हमें निकालनी है वो निकाल ली, और इसके हल्के से शोल्डरिंग कर देते हैं गाइस थोड़ी देर गर्म होने में, क्योंकि वायर बहुत ज़्यादा मोटी है। मोटी होने का फ़ायदा ही मुझे ही मिलने वाला है, क्योंकि अभी आपको मालूम चलेगा कि मोटी वायर क्यों होना चाहिए। तो गाइस हमने दोनों शोल्डरिंग कर ली है। अब गाइस सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कि जो एडेप्टर है इसकी पिन भी मुझे लगानी होगी चार्जिंग के लिए। तो दोस्तों जो मेरे पास पिन है, वो प्रॉब्लम ये है कि एक राउटर में एक बैटरी में, बट मैं इसकी पिन जो है एडेप्टर की पिन कैसे लगाऊंगा, तो हम एक जुगाड़बाजी बनाएंगे जिसमें एडेप्टर की पिन फिट हो जाए। तो सबसे पहले हम, तो दोस्तों एक वायर ले लेनी है जो कि इजीली अंदर चली भी जाए, मगर इतनी भी ढीली पतली ना हो कि बहुत ज़्यादा लूज़ हो, तो ये बिल्कुल फिट है और इस पर अटक रहा है। तो इसे थोड़ा सा छील लेंगे पहले, एक्स्ट्रा पहले काट लेंगे थोड़ा सा, और इसे थोड़ा सा छील लेंगे एक्स्ट्रा करके, क्योंकि एक्स्ट्रा करके अभी क्यों छील रहा हूँ आपको भी मालूम चलेगा। इस पर शोल्डरिंग कर लेते हैं, तो हल्का सा ना बीच में मोटा छोड़ देना, जैसे कि मैंने छोड़ा है। और यहाँ पे ठंडा कर लेंगे इसे, थोड़ा सा वेट करना है हमें, का ये बहुत अच्छा गर्म है कि इससे मुझे एकदम फर्स्ट क्लास जल्दी जल्दी काम करने को मिल जा रहा है। तो यहाँ पे ये ठंडा हो चुका है, तो इसे थोड़ा सा काट लेंगे। काटा इसलिए गाइस क्योंकि इसका आगे की साइड मुंह बन जाता है, और अब हम लगाएंगे। तो थोड़ा सा हो सकती है गाइस आपको ये प्रॉब्लम कि हाँ यार प्रॉपर नहीं जा रहा, तो कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा शोल्डर हम जो लगाया है एक्स्ट्रा वो वापस खींच लेंगे इसमें से। अब इसमें ट्राई करते हैं, अब गाइस प्रॉपर जा रहा है, मगर अब थोड़ा सा ज़्यादा ढीला हो गया, हल्का सा शोल्डर और लगाएंगे। आप भी शोल्डर को इसी तरीके से रखा करिए, बहुत ज़्यादा सही रहता है। और हल्का सा मोटा कर लिया हमने इसे, मोटा पूरी तरीके से बाहर नहीं निकाला, बस हल्का सा कि आराम से चला जाए और टाइट हो जाए, जैसे कि गाइस हम चाह रहे थे वैसे ही हो गया है। और अब इसके ऊपर एक छोटा सा क्लिप और लगाना है। तो दोस्तों फिलहाल मैं दो चीज़ें लेके आया हूँ, तो एक तो जिसमें ये आरओ का पाइप होता है छोटा वाला, वो लेके आया हूँ, ये थोड़ा सा छोटा है, और एक मैं पैन का ढक्कन लेके आया हूँ, ये बड़ा है। तो आरओ को पाइप को हम ऐसा कर सकते हैं कि इसका साइज़ बढ़ा सकते हैं ईजिली, थोड़ी सी हेल्प से इसके बराबर मतलब पहुँच जाएगा। तो हल्का सा इसे नरम कर लेना है, और बहुत इजीली हो भी जाता है दोस्तों, कुछ ज़्यादा खास काम भी नहीं। और थोड़ा सा इसे गरम कर लेना है, और तो दोस्तों इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ाया है मैंने अभी, क्योंकि मुझे भी सिर्फ इसे ही अंदर डालना है, और यह प्रॉपर तरीके से अंदर जा रहा है। तो इस तरीके से आप भी ट्रिक आजमा सकते हैं, और सबसे आसान ट्रिक होती है ये, इजी होती है, और इसे निकाल लेते हैं। अब कुछ नहीं करना वैसे तो हमें, हम चाहें तो इसे लगाने के बाद भी अंदर घुसेड़ सकते हैं। तो अब मुझे हल्का सा पतला वायर चाहिए होगा,
तो दोस्तों मैं एक छोटी सी वायर लेके आया हूँ, और ये जो वायर है बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकती है। हम इसे थोड़ा सा काट लेंगे और हल्का सा छील लेना है। छीलने के बाद गाइस इसके जो रेशे हैं बहुत ज़्यादा हैं, मतलब हमें थोड़े से ही चाहिए, तो इसके ना के बराबर मतलब थोड़े से और ले लेंगे, 25-30 रेशे तार के, और आधा वायर काट देंगे क्योंकि ज़्यादा मोटा हो जाएगा तो फिर अंदर जाने में परेशान करेगा। और यहाँ पे जो है मतलब हम इसे बीच में से एक बार और छील सकते हैं और अच्छा रहेगा, छिल जाएगा तो जैसे कि हमने छेद कर दिया है इसमें, ये बीच में ठीक आपको बीच में छेद करना है, और यहाँ से ये वायर डाल देनी है। अभी मैं बताऊँगा आपको प्रॉपर तरीके से, आप देखेंगे तभी आप समझ जाएंगे कि मैंने क्यों ऐसा किया है, क्योंकि हमारे पास जैक नहीं थी दोस्तों और बहुत ज़्यादा लोगों के पास नहीं होगी, तो इस तरीके की जुगाड़बाजी हर कोई कर सकता है ईजिली। तो यहाँ पे मैंने न्यूट्रल के लिए, और ये प्लग इस तरीके से अंदर चला जाएगा। तो ये गाइस न्यूट्रल का तार हो गया, एंड फेस के लिए हम इसे कर लेंगे। तो ये हमारा एक बहुत अच्छा और सस्ता प्लग बन गया है। तो अब इसमें हम एक छोटा सा काम और करेंगे, क्योंकि ये परमानेंट है हमारा, तो अब इस पर टेप ले पेट देंगे। न्यूट्रल फेस इस वजह से दोस्तों याद रहेगा क्योंकि ग्रीन वाला मैंने बाहर के साइड से लगाया है, और अंदर की साइड से वैसे तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा कौन सा तार बाहर से कौन सा तार अंदर से लिया है। तो ये हमारा एक स्विच हो गया कि जो हम डायरेक्टली निकाल और लगा सकते हैं। अब दोस्तों जल्दी से इसका बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं कनेक्शन प्रोसेस। तो यहाँ पे न्यूट्रल हो गया, और क्योंकि गाइस अब जो एडेप्टर आते हैं वो बैक सप्लाई वापस नहीं लेते, तो हमें फ़ायदा होता है, नहीं तो मुझे एक डायोड लगाना पड़ता कि रिवर्स ना जाए, तो मुझे इस बात की कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ पे तो इसे जल्दी से शोल्डरिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों हमने शोल्डरिंग कर ली है क्योंकि काहिए बहुत अच्छा गर्म है, तो इसलिए बहुत जल्दी जल्दी काम हो जा रहा है, जो कि 10-15 मिनट में होता है। और तो इसे थोड़ा सा काट लेंगे, काटता गाइस इसलिए हूँ क्योंकि आगे की साइड प्रॉपर नहीं हो पाता, हमें पीछे के साइड रखना है। अब आ जाते हैं ये, तो अब हमें एक ब्लैक वाला जो रहेगा हमारा न्यूट्रल रहेगा, और जो वाइट वाला है वो हमारा प्लस रहेगा। तो यहाँ पे हम इसके प्लस से मतलब ये वाले से ये वाला, लेकिन गाइस प्रॉब्लम ये है कि इसकी वायर जो है वो बहुत ज़्यादा पतली है, तो इसकी वायर का हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हम ये जो गाइस ये जो हमें डायरेक्टली कटी हुई वायर है, और 9 बोल्ट का इसका जैक का साइज़ थोड़ा अलग अलग होता है, तो 12 बोल्ट की सप्लाई हम जो राउटर में देंगे वो इससे देंगे। तो इसकी बहुत पतली वायर है तो इसे थोड़ा सा ज़्यादा काटें। तो दोस्तों यहाँ पे एक कनेक्टर है, और यहाँ पे हम वायर को इससे जोड़ देंगे। प्लस माइनस का बहुत ध्यान रखना है कि अभी मैं जो जोड़ रहा हूँ माइनस वाली तार जोड़ रहा हूँ, और यहाँ पे हमें तीनों वायर एक साथ जोड़नी है, इसलिए अब बस मुझे शोल्डरिंग करनी है इन तीनों पे, क्योंकि मैंने बैटरी वाली माइनस केबल। तो दोस्तों हम प्रोसेस जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि सबकी न्यूट्रल वायर जोड़ी है, अभी मैं दिखाऊंगा, पहले मैं शोल्ड कर लूँ तो आप समझ पाएंगे ईजिली। तो यहाँ पे तो दोस्तों अभी हमने क्या किया है, सबकी न्यूट्रल वायर जोड़ ली है। जैसे कि मैं इसकी बात करूँ तो इस ये चार्जर से न्यूट्रल वायर निकली थी, जो हमें बैटरी में जोड़नी है वो न्यूट्रल वायर जोड़ ली है, एंड इसी के साथ अब हम यहाँ वाली ये पावर फेस वाली पावर जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे ये, और इसे कुछ खास नहीं करते हम, कैसे ज्वाइन करते हैं, जो हमारी राउटर वाली वायर है उसे लंबा काट लिया था हमने, तो इसी के ऊपर लपेट देते हैं, बस यही जॉइंटिंग प्रोसेस है, बाकी शोल्डर काम कर देता है। तो यहाँ पे ये यहाँ पे ये आया, एंड एक छोटा सा रिव्यू दे रहा हूँ मैं, जो कि बहुत ज़्यादा लोगों को हेल्प करेगा। पहले बैटरी की वायर हमने निकाल ली, जो कि डायरेक्टली आप चाहें तो शोल्डरिंग करके कंटिन्यू बैटरी से भी अटैच कर सकते हैं परमानेंट। हमने एक टेम्परेरी स्विच बनाया जिसमें मैं सीधे वायर की जो इसकी एडेप्टर की पावर है वो जोड़ पाऊँ, और ये हमने डायरेक्टली जो निकालने के लिए बनाया है ये हम उसमें लगा सकते हैं राउटर में। तो अब इसे टेपिंग कर लेते हैं।
तो दोस्तों हमने फाइनली इसे एक प्लग से ज्वाइन कर लिया। यहाँ पे दो बैटरी की वायर निकल गई है और इसकी निकल गई है कि राउटर की। तो अब क्या करेंगे अभी गाइस, अब प्रॉपर वीडियो में चलते हैं तभी आप समझ पाएंगे तो एक्चुअल में कैसे काम करता है ये सारा सिस्टम। तो दोस्तों आपने पूरा प्रोसीजर जाना, स्टार्ट होने में बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा था इसलिए मैंने वीडियो को यहाँ पे गाइस अभी मैंने बैटरी से कनेक्ट नहीं किया है। तो यहाँ पे मैंने दोनों तार निकाल दिए हैं और ये आप देख पाएंगे तो अभी अडेप्टर से कनेक्ट है तो इसमें ब्लिंकिंग कंटिन्यू चल रही है। अब गाइस हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्लैक वाले में ब्लैक जोड़ देंगे एंड रेड वाले में यहाँ पे आप ब्लिंकिंग देख पाएंगे। और यहाँ पे इसके ऊपर बैटरी के ऊपर रख देते हैं, वो बेस्ट है और क्योंकि देख नहीं पाएंगे। अब मैं इसका एडेप्टर निकाल देता हूँ तो मतलब अब लाइट जा चुकी है और हमारी ब्लिंकिंग गाइस अभी मैंने इसे नेट से कनेक्ट नहीं किया ऐसे, बट आप क्योंकि मेन हमारा राउटर स्टार्ट हो जाना है जैसे ही 12 वोल्ट की सप्लाई मिल जाती है। अभी मैं आपको एक चीज और दिखाना चाह रहा हूँ, अभी जैसे कि यहाँ पे रख दिया है, ये आता है हमारा वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर में आप देख पाएंगे सप्लाई, जैसे कि मैं यहाँ पे मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा, 2-3 मिनट रुक जाइएगा, वीडियो को हाथ छोड़ के मत जाइएगा। तो आप देख पाएंगे यहाँ पे मेरी 12.8 की मतलब लमसम 13 वोल्ट की सप्लाई मिली है। तो गाइस हम इस बैटरी में सबसे अच्छी बात यह है ये चीज को खराब नहीं करती, डीसी सप्लाई है तो डायरेक्टली एसी होती तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती थी, मतलब डीसी में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती। तो जो मुझे 12 वोल्ट की सप्लाई चाहिए, 12.8 वोल्ट की, अब मुझे चार्जिंग के लिए भी इतनी ही सप्लाई चाहिए गाइस। इससे ज्यादा होगी तो बैटरी खराब होने का खतरा रहेगा, मगर इससे कम रहेगी तो बैटरी खराब होने का खतरा नहीं रहेगा। तो हम यहाँ पे इसे दिखाना चाह रहा हूँ मैं, तो अभी तक ब्लिंकिंग चल रही है लगातार। और यहाँ पे हम अब एडेप्टर को गाइस मैंने कनेक्ट करा है, अभी ऑन नहीं किए पावर, अब मैंने पावर ऑन कर दिया। अब हम इसे अभी ये ब्लिंकिंग कर ही रहा है कंटिन्यू, तो यहाँ पे फिर आप देख पाएंगे इजिली, मतलब अब जो इसकी अडेप्टर की पावर आ रही है वो आ रही है 12.55, मतलब इसकी जो अपनी एनर्जी थी बैटरी की वो 12.8 थी और जो अडेप्टर की एनर्जी है वो 12.55, मतलब यह है कि जो अडेप्टर की पावर है वो कम है, बैटरी की पावर ज्यादा है। तो गाइज ये चार्ज भी करती रहेगी, सबसे अच्छी बात ये है। और जैसी लाइट जाएगी तो ऑटोमेटिकली के जो राउटर है वो इस पे वर्क करने लगेगा। और अचानक से एडेप्टर निकाल दिया मतलब पावर चली गई, यहाँ से मैंने एडेप्टर निकाल दिया है, ये बैटरी है और ये पूरा कनेक्शन है हमारे। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि अब कुछ भी हो जाए तो मेरी जियो राउटर की तो सप्लाई जाने से रही। और अब गाइस मैं थोड़ा सा डिस्कस बैटरी के बारे में करना चाह रहा हूँ, तो ये बैटरी किस चीज़ की है तो मैं आपको बता दूँ, ये यूपीएस की बैटरी है। और यूपीएस मतलब जो भी आपके कंप्यूटर का पावर बैकअप होता है जो सडनली बंद ना करे, थोड़ा दिखता भी रहना चाहिए कि हमारी कंटिन्यू राउटर चल रहा है बैटरी पे। एडेप्टर तो गाइस ये निकाल के रख रखा है मेरे साइड में। तो अब सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप यूपीएस की बैटरी खरीदते हैं या आपके पास यूपीएस की कोई भी खराब बैटरी हो तो आपको 6 से 7 घंटे बैकअप इजिली दे देगी, जिसे आपको कोई कुछ टच करने की जरूरत नहीं है कि मुझे यार खराब बैटरी है नई लाने की जरूरत है। और गाइज आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 100-150 रुपए की कोई यूपीएस की दुकान हो या बैटरी की दुकान हो तो वहां पे यूपीएस की खराब बैटरी मिल जाती है, इजिली अवेलेबल हो जाती है। ये तो गाइज खराब बैटरी थी, मतलब जैसे मैं लाइट चली जाती थी यूपीएस में मेरा डेस्कटॉप आता तुरंत बंद हो जाता था। तो ऐसी परिस्थिति थी, तब भी ये 3 से 4 घंटे इजिली वर्क करेगी बिना किसी प्रॉब्लम के, क्योंकि मैंने इससे थोड़ा लोड ट्राई करके देखा तो इजिली वर्क कर रही थी, कोई प्रॉब्लम नहीं कर रही थी। क्योंकि इस पे गाइस लिखा हुआ भी है कि ये 9 वोल्ट तक सप्लाई दे सकती है, सबसे अच्छी बात है, अभी रिसेंटली निकाल पड़ी। अब इसे आप लोकल मार्केट में नहीं खरीदना चाहते हैं तो गाइस कम से कम 10 से 12 घंटे के लिए तो आपको मैं मना नहीं करूंगा, तो आपको डायरेक्टली जाना है बैटरी की शॉप पे, 700-800 रुपए की या 500 रुपए की आपको इजिली मार्केट में मिल जाएगी। अभी थोड़ा कोरोना का टाइम था तो इसलिए थोड़े से मार्केट प्राइस हाई है, जैसे ही नॉर्मल हो जाएंगे तो आपको 700 या 400 450 रुपए की भी मार्केट में मिल जाएगी। ब्रांड के ऊपर मत जाइएगा, नॉर्मल चाइनीज बैटरी भी ले लेंगे तो कोई प्रॉब्लम आपको क्रिएट नहीं होगी, इजिली चलेगी। और जैसे कि आपकी लाइट 1-1.5 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए चली जाती है तो मैं प्रेफर करूंगा तो आपको पुरानी बैटरी लेनी, नई नहीं लेनी। 200-250 रुपये खर्च करके आप इजिली अपने घर में एक छोटा सा पावर बैंक सिस्टम लगा सकते हैं, मोबाइल आपका
वाईफाई किसी कंडीशन में डिस्कनेक्ट नहीं होगा, ना आपको 2,000 3,000 5,000 रुपए की पावर बैंक खरीदने की जरूरत है। पावर बैंक कितनी सी होती है गाइस? इतनी सी होती है, इससे बड़ी हमारी बैटरी है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि वो 3 से 4 घंटे का क्लेम करती है, तो हम तो 10 घंटे का कर ही सकते हैं। तो गाइज ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है, और मैंने बड़ी मेहनत की है इसे कंप्लीट करने में। मुझे उम्मीद है गाइज ये आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगी होगी वीडियो, क्योंकि इतने कम टाइम में प्रॉपर तरीके से बना देना, और सडनली आइडिया आया कि बहुत ज्यादा लोगों की, एक ने मुझे कमेंट करके कहा कि सर बहुत ज्यादा अर्जेंट है, क्योंकि 5 बोल्ट का तो मैंने दिखा दिया था, मेरे चैनल पे है भी, आप देखेंगे तो समझ जाएंगे। बट प्रॉब्लम ये थी कि 12 वोल्ट की सप्लाई है, तो गाइस उसका भी जुगाड़ आ गया फाइनली। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।